तो गाइस ये है मेरे पास दो पतंग और इसके ऊपर मैंने लगा रखे हैं दो बड़े साइज के रॉकेट और अब हम इसको जलाने वाले हैं और फिर देखने वाले जो हमारी पतंग है वो किस तरीके से ऊपर जाती है, क्योंकि यार हमने बहुत सारी पतंगें उड़ाई हैं लेकिन हमने मांझे की मदद से धागे की मदद से उड़ाई है, पर आज हम इसको उड़ाने वाले हैं रॉकेट की मदद से और हम इसको भेजने वाले हैं लगभग 2 से 3 किलोमीटर ऊपर। नहीं यार मजाक कर रहा हूँ, मतलब इसको आपने देखा था जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें जो मैंने मांझा से रॉकेट को फिट किया था तो उसमें क्या था कि रॉकेट जो है मांझा को 114 फीट लेकर गया था, तो उसी के अकॉर्डिंग मान ले तो 100 फीट के अंदर ये जाएगी। तो चलो एक फटाफट से इसको रख के जलाते हैं और फिर देखते हैं हमारी जो पतंग है वो कितनी ऊपर जाती है और वो किस तरीके से जाती है या फिर किस तरीके से उड़ती है। इस वीडियो में दिखाया गया सभी काम पूरी सावधानी के साथ किया गया, कृपया आप लोग इसे दोबारा करने की कोशिश ना करें। और राइट गाइज, तो जो हमारी पतंग है वो ऐसे गई और हवा है ना जो काफ़ी तेज़ है इसलिए पतंग ऐसे जाके फिर नीचे जाके ब्लास्ट हो गई, आपने देखा। अब बारी है इस वाले की और अब इसको जलाते हैं और फिर देखते हैं कि इस पतंग का क्या हाल होता है या फिर ये किस तरीके से जाती है। यार पहली बार वाली तो ऊपर नहीं गई थी और वो सीधे चली गई थी क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ है। अब इसको जलाते हैं और फिर देखते हैं कि इसकी हालत क्या होती है। ऑल राइट गाइज, तो गाइज ये जो रॉकेट है ये तुरंत वहीं पे ही ब्लास्ट हो गया, आपने देखा ये ऊपर गई नहीं और कान भाई साहब अभी तक सुन रखा है क्योंकि मैंने जैसे ही आग लगाई और ये ब्लास्ट हो गया। आप ये देखो और अभी लकड़ी की हालत देखो क्या हो रखी है, अभी आप ये देखो, मतलब रॉकेट भी, मतलब आप समझ रहे हो रॉकेट हम जला रहे हो और वो ब्लास्ट हो जा रहा है कुछ इस तरीके से, कितनी खतरनाक वाली चीज़ है यार। आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ट्राई करना क्योंकि मुझे तो लगा था कि ये ऊपर जाएगी पर रॉकेट जो है वो यहीं ब्लास्ट हो गया। तो गाइस यार कुछ ऐसा हाल होता है जब हम रॉकेट को अटैच करते हैं पतंग के साथ, मुझे तो लगा था ये ऊपर जाएगी लेकिन पहली वाली जो पतंग थी वो हवा की वजह से तो ऐसे चली गई बिल्कुल सीधे, आपने देखा लाइक अ प्लेन। और जो दूसरी वाली पतंग थी इसमें मैंने रॉकेट लगाया था और इसका कुछ ये हाल हुआ कि ये रॉकेट ही ब्लास्ट हो गया। तो गाइस यार वीडियो में मज़ा आया, फटाफट से कर दो लाइक और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही मज़ेदार एक्सपेरिमेंट्स देखने के लिए हमारे चैनल कर लो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।